बड़वानी के हरसुख दिगंबर स्कूल के कक्षा 12वीं के गणित संकाय के छात्र वंदन पिता शिव कुमार गुप्ता ने 470 अंक प्राप्त कर जिले की प्रवीणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हरसुख दिगंबर स्कूल के छात्र को हार पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित करते हुए हरसुख दिगंबर स्कूल बड़वानी के प्राचार्य डॉक्टर सतानंद दुबे, शिक्षक महेश मुकाती, परवेश शेख, किशोर राठौर, मैनेजमेंट से नवीन जैन, पदम जैन ने उज्ज्वल भविष्य की कामना की। छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को दिया। बड़वानी से इमरान खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदन गुप्ता है। किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? मैं हरसुख दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी में पढ़ाई करता हूं। कौन सी क्लास में है आप? मैंने अभी 12th पास किया। कितना परसेंट? मेरे 94% बने हैं 12th में। मेरा सब्जेक्ट पीसीएम था 12th में। मैं इसका शेयर सबसे पहले मेरे माता पिता को, मुझे पढ़ाने वाले टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, समय समय पर मुझे बहुत सपोर्ट करा, इसलिए आज मैंने जो है अपना लक्ष्य हासिल किया है। कौन सी रैंक आई आप? मेरी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आई है। मेहनत मैंने खूब करी है, मतलब जितनी मेरे से हो सकती थी मैंने अपना पूरा 100% दिया था पढ़ाई में और रिजल्ट आया। सर, हमारे स्कूल का लंबे समय से प्रदेश की, संभाग की और जिला स्तर की मेरिट में हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा आते रहे और इन 38 सालों में पिछले जब से हमारा स्कूल संचालित है सर, समय समय पर हमारे विद्यालय ने मेरिट के बच्चे दिए हैं और ये साल मेरे लिए एक उपलब्धि के तौर पर फिर वापस आया है। हमने जिला स्तर की 12th की मैथ्स की मेरिट में अपना पहला स्थान बनाया है। हमारे विद्यालय के वंदन गुप्ता ने जिला स्तरीय मेरिट में 94% मार्क्स लेकर के पहला स्थान अर्जित किया है। रिजल्ट सर, हमारे निश्चित तौर से इस रिजल्ट में योगदान बच्चे की मेहनत, हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं जो उसको पढ़ाते हैं, उन सब का अथक परिश्रम, साल के शुरुआत में ही एक निश्चित गोल को लेकर के ध्येय बना करके पढ़ाई करना और साथ में हमारा जो स्कूल का मैनेजमेंट है जिसने हमें इस तरह का एनवायरनमेंट दिया है जिसमें बच्चे को हम एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे करके पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित कर सकें, लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और बच्चे बिना दबाव के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रिजल्ट में हमारे सहयोगी बने हैं।